हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज हम स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है व्हिच मेंस टेनिस सिंगल प्लेयर हेल्ड द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स। आपसे पूछा गया है कौन सा पुरुष टेनिस एकल खिलाड़ी सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व का नंबर वन खिलाड़ी रहा है। वीक वीक के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोजर फेडरर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है रोजर फेडरर की। ये एक स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। स्विट्जरलैंड कंट्री पूछा जा सकता है, जो भी मेन मेन प्लेयर है उनका कंट्री भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये स्विट्जरलैंड से प्ले करते हैं। स्विट्जरलैंड के ये प्लेयर हैं। करंट में इनकी रैंक जो है वो 3 है। रैंक 3 पे ये है इस टाइम पे। रैंक 3 किस चीज में है इनकी? मैन सिंगल एटीपी रैंकिंग में। ये भी पूछा जा सकता है, मैन सिंगल एटीपी में इनकी रैंक 3 है और वीक्स के अकॉर्डिंग पोजीशन इनकी नंबर 1 पे है। रैंक 1 है इनका, रैंक 1। जो ये वीक कितने वीक का रिकॉर्ड इन्होंने बना रखा है? 310 वीक। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको रोजर फेडरर की फोटो दिखा देती हूँ। ये है रोजर फेडरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द अनाउंसमेंट मेड फॉर द होस्ट सिटी ऑफ गोल्ड कोस्ट। मेजबान शहर गोल्ड कोस्ट की घोषणा कब की गई थी? कौन से ईयर में उसको अनाउंस कर दिया गया था कि जो गोल्ड कोस्ट है वो होस्ट सिटी बनेगा? यहाँ पे कौन से गेम कंडक्ट किए गए थे वो भी बताना। यहाँ हुए थे हमारे कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2018 के। और इसको होस्ट सिटी कब घोषित कर दिया गया था? वो किया गया था 2011 के अंदर, 2011। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की मीटिंग हुई थी वो हुई थी बेसेटर्स में, BASETERRSE। इस जगह पे मीटिंग कंडक्ट हुई थी, 2011 में मीटिंग कंडक्ट हुई थी और वहां पे ही डिक्लेयर किया गया था गोल्ड कोस्ट जो है वो होस्ट सिटी होगा 2018 कॉमनवेल्थ गेम का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज वोन द हॉकी वर्ल्ड कप एज होस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने मेजबान के रूप में हॉकी विश्व कप जीता है? उन्होंने ही होस्ट किया था और वही कंट्री जीत गई थी, तो उस कंट्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी और स्पेन। तो इसका सही आंसर है, ऐसा करने वाली कंट्री थी जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड ऐसी कंट्री रही हैं जिन्होंने वर्ल्ड हॉकी कप को ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया और साथ ही साथ उसको जीता, अपनी ही कंट्री में होस्ट करके उन्होंने जीता है। तो वो है जर्मनी और नीदरलैंड। तो ऑप्शन में जर्मनी है तो सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान है और इंग्लैंड है वो रनर अप रहे हैं एज अ होस्ट। इंग्लैंड रनर अप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIAC। हाँ जी, जल्दी से बताइए FIAC का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल एमेच्योर साइक्लिंग फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म है बी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है फुटबॉल व्हेन वाज फीफा फाउंडेड। फीफा की स्थापना कब की गई थी? हाँ जी बताइए, किस ईयर में की गई थी और फीफा की फुल फॉर्म भी बताइए। सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म बताइए, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन। हाँ जी आगे बताइए, ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, बिल्कुल सही, ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल जो है फीफा की फुल फॉर्म है। अब आपको बताना है इसकी फाउंडेशन ईयर आपको बताना है, कब इसकी स्थापना की गई थी। तो जल्दी से बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फाउंडेड इन 1904। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको बताना है। हाँ जी बताइए कौन है, इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो जो है वो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है फीफा के, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56th का है हमारा बी। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, फीफा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हाँ जी हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जल्दी से बताइए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। Now move to the next question. Next में पूछा गया है, Who was the captain of India's men's hockey team in Rio Olympic 2016? 2016 के Rio Olympic में भारत की पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है आपके पास दिलीप तिर्की, रमनदीप सिंह, पी आर श्रीजेश और प्रगत सिंह। हाँ जी देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिसेंटली हुए हैं और ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लस में जो रिसेंटली होने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये चार साल में एक बार होते हैं। तो 2016 में रायो ओलंपिक्स हुए थे, ये हुए थे 2016 में, नेक्स्ट होने थे हमारे 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, बट ये जो है डिले हो गए किसके, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से ये हमारे डिले हो गए हैं। तो 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको उनके रिगार्डिंग जो है देख लेना है, और ये जो पोस्टपोन्ड हो गया अब ये 2021 में कंडक्ट होंगे टोक्यो ओलंपिक्स, तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2016 वाला भी और 2020 वाला भी। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है मेन्स हॉकी टीम रायो ओलंपिक्स में मेन्स हॉकी टीम के कैप्टन कौन है इंडिया की तरफ से, तो वो थे पी आर श्रीजेश रहे थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशंस हैड पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल गेम्स ऑफ IAAF वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप विच वर हेल्ड इन बेल्जियम। हाल ही में बेल्जियम में आयोजित IAAF विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, कितनी कंट्री ने इसमें पार्ट लिया था, आपको ये बताना है, तो जल्दी से बताइए, इसमें पार्ट लिया था 21 कंट्रीज ने, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। 58 का है हमारा बी। सेकंड इसमें बन सकता है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था, ये क्वेश्चन में ही है आपके पास, हेल्ड इन बेल्जियम, बेल्जियम में हुआ था, कब हुआ था, 1973 में फर्स्ट टाइम ये हुआ था, और 21 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा गया है व्हेन वाज द क्वींस बैटन रिले इंट्रोड्यूस्ड इन कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता है जो कॉमनवेल्थ गेम होती है उनमें क्वींस बैटन रिले होता है, तो वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपको ये बताना है, उसका ईयर आपको बताना है, राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत कब की गई थी, कौन सी ईयर से की गई थी, तो जल्दी से बताइए। 59th का सही आंसर क्या होगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से, सी इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। और ये जो है कब हुआ था, ये 6th एडिशन था गेम्स का जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 6th एडिशन ऑफ द गेम्स में, 6th एडिशन में किया गया था, जो कहां कंडक्ट हुए थे, कार्डिफ में, ये कंडक्ट किए गए थे कार्डिफ, कार्डिफ कहां आता है, वेल्स में, कार्डिफ वेल्स में, इसलिए इनको कार्डिफ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, कार्डिफ गेम्स। Now move to the next question. Next question की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, Where were the 2018 ISSF World Shooting Championship held? 2018 में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया या फिर रशिया। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप पूछी गई है 2018 में जो हुई थी, तो वो कौन सी कंट्री में हुई थी आपको ये बताना है, तो जल्दी से बताइए। 60th का सही आंसर क्या होगा, ये हुई थी साउथ कोरिया में, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में कंडक्ट किया गया था। और ये कौन सा एडिशन था जो 2018 में कंडक्ट हुआ था,
ये था आपका, जल्दी से बताइए कौन सा एडिशन था, 52 एडिशन था, 52nd एडिशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द UWW, UWW के द्वारा पहली महिला कुश्ती शैली, मुक्त कुश्ती शैली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी, कौन से ईयर में ये हुआ था। वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में यहाँ बात की गई है, तो सबसे पहले ये कब जो है हुआ था आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर 1987, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, यहाँ वुमेन की जगह अगर मैन होता तब इसका सही आंसर क्या होता। व्हेन वाज द फर्स्ट मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय UWW, तब इसका सही आंसर हो जाता 1951 में मेंस फ्री स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया गया था और 1987 में वुमेन्स फ्री स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be the captain of India's men's hockey team in Tokyo Olympic 2020? देखो मैंने आपको बोला ही था रायो ओलंपिक्स जो हमारे 2016 में हुए थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, प्लस में जो होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2020 में होने वाले थे, अब 2021 में होंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन होंगे कैप्टन, कैप्टन ऑफ इंडियाज मेन्स हॉकी टीम, तो वहाँ पे यहाँ पे कौन होंगे। ऑप्शन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, मनप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, पी आर श्रीजेश या फिर प्रगत सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा, 62 का सही आंसर है मनप्रीत सिंह, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इनमें 2016 और 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच नेशनल साइकिलिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। हाँ जी बताइए, जो फाउंडेशन मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो जल्दी से बताइए कौन सा कंट्री नहीं है। यूसीआई का फाउंडिंग मेंबर इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसके फाउंडेशन मेंबर में आते हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, प्लस में यूएस और इटली, ये पांच कंट्री जो है ये फाउंडिंग मेंबर थी यूसीआई की। यूसीआई क्या है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है स्पेन, और इसको फाउंड कब किया गया था, फाउंडिंग मेंबर की बात की है तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, फाउंडेड इन 1900। ओके, और कहाँ पे इसको फाउंड किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इट वाज फाउंडेड इन पेरिस में, पेरिस में 1900 में। और कौन कौन सी कंट्रीज की फाउंडिंग मेंबर थी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, यूएस और इटली, स्पेन नहीं थी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। UCI की फुल फॉर्म बताइए, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है, तो जल्दी से बताइए UCI की फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। Who is the president of UCI, आपको बताना है UCI के प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन है ब्रियान, लुइस, डेविड और एकिल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी, डेविड। डेविड जो है वो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के, सी इसका सही आंसर है, 64 का आंसर है सी। आपको ये भी बताना है डेविड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, जी जल्दी से बताइए, फ्रांस से, बिल्कुल सही, फ्रांस, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the first European nation in history to win the Thomas Cup? इतिहास में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? हाँ जी बताइए, यूरोपियन नेशन पूछी गई है, फर्स्ट यूरोपियन नेशन आपको बतानी है जिसने थॉमस कप जीता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए थॉमस कप जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड होता है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये कप कौन से गेम से रिलेटेड है, तो जल्दी से बताइए,
थॉमस कप हमारा रिलेटेड है बैडमिंटन से, बिल्कुल सही, बैडमिंटन से ये रिलेटेड है, बैडमिंटन। और बताइए फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिसने इसको जीता था वो है डेनमार्क, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्टली थॉमस कप जो है वो एशियन कंट्रीज के द्वारा जीता गया है, एशियन कंट्रीज, और एशियन कंट्रीज में भी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने 13 टाइम इस कप को जीता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से आप सुनिए, इंडोनेशिया 13 टाइम विनर रहा है, और जो डेनमार्क है वो फिफ्थ कंट्री बना था जिसने थॉमस कप जीता था, फिफ्थ कंट्री, और यूरोप में ये फर्स्ट कंट्री रहा था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द टीम स्पोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन गेम, खेलों में पहली बार टीम स्पोर्ट्स को कब शामिल किया गया था, टीम स्पोर्ट्स की बात की गई है जिसको फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी बताइए कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, 1998 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी सक्सेस रही थी, सक्सेस किस वे में रही थी, बहुत बड़ा सक्सेस ये माना जाता था क्योंकि इसके बाद जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गए थे गेम के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्लस में जो टीवी व्यूअर्स होते हैं वो भी इसके बाद जो है इंक्रीज हो गए थे, इंक्रीज इन टीवी व्यूअर्स ऑफ द गेम्स। ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the gold medal in pole vaulting in men's category in 2016 Rio Olympic? किसने जीता था? Who won the gold medal? Gold medal pole vaulting में, men's category में पूछा गया है 2000 Rio Olympics के regarding ये question है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका C, बिल्कुल सही, Thiago Braz da Silva. C is the right answer. और ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? ये आप नाम से रिलेट करके भी बता सकते हैं, ये जो है ब्राजील के प्लेयर हैं, ब्राज से ब्राजील, ब्राजील के ये प्लेयर हैं थाइगो ब्राज दा सिल्वा इनका नाम है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया हु इज द फाउंडर ऑफ डेविस कप, डेविस कप के संस्थापक कौन है? हाँ जी देखो ये भी कप के रिलेटेड आ गया है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डेविस कप कौन से गेम से रिलेटेड है, तो जल्दी से बताइए डेविस कप किस गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछती हूँ। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है आपके पास विद क्रिकेट, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, टेनिस से एसोसिएटेड है, या फिर चेस। हाँ जी बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस गेम से एसोसिएटेड है आपका टेनिस कप, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये टेनिस से एसोसिएटेड है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे आते हैं, सी इज द राइट आंसर, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। हाँ जी, तो अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो फाउंडर पूछा गया है, डेविस कप है। देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ये नाम से ही रिलेट करते हैं, डेविड एफ डेविस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो इसके फाउंडर रहे हैं, जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं, तो बहुत इजी है ये आपके लिए, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेविड एफ डेविस ने जो है ही इज द फाउंडर ऑफ द डेविस कप, एंड डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is the Vice President of International Paralympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए इनका नाम क्या है? इनका नाम है ड्यूएने काले, बी इज द राइट आंसर। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हाँ जी ड्यूएने काले इसका सही आंसर होगा, ये जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड, और ये जो है ये पैरालंपिक स्विमर हैं, पैरालंपिक स्विमर है ये, और यहाँ इन्होंने जो है 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल।
सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. हु वॉज द फर्स्ट बाउट रीऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन. आपको बताना है विश्व मुक्केबाजी संघ के द्वारा किस मुकाबले को सबसे पहले मान्यता दी गई थी. बताइए वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन जो संघ है उसके द्वारा किस मुकाबले को सबसे पहले मान्यता दी गई थी. तो जल्दी से बताइए. इसका नाम है जैक डैम्पसी जॉर्ज कारपेंटर हैवीवेट चैंपियनशिप बाउट. ए इज द राइट आंसर. इसका सही आंसर होगा हमारा ए. ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. When were the IAAF World Cross Country Championship inaugurated? आपको बताना है कब जो है IAAF World Cross Country Championship को inaugurate किया गया था. IAAF विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी. तो जल्दी से बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा. जी बिल्कुल 1973 में की गई थी. इसका सही आंसर है आपका डी. वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर 1973. So now move to the next question. Next की तरफ हम बढ़ते हैं. Which woman athlete has won 5 gold medal in high jump in the IAAF World Indoor Championship? यहाँ आपसे पूछा गया है IAAF विश्व इंडोर चैंपियनशिप में किस महिला एथलीट ने ऊंची कूद में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं. तो उनका नाम आपको बताना है. ऑप्शन है आपके पास स्टेफका, नटालिया, मेजरेट, मारिया. तो इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ए, स्टेफका कोस्टोडिनोवा. ए इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर है. और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है आप ये भी बताइए. ये बुल्गारिया से. बुल्गारिया, बुल्गारिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है. ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है. यूरोपियन. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस इज द बीएनपी पेरिबास कप प्लेट. देखो यहाँ भी आपको पेरिबास कप बताना है. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए जो बीएनपी पेरिबास कप है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है. तो जल्दी से बताइए किस गेम से एसोसिएटेड है. 73rd का सही आंसर क्या होगा. सबसे पहले तो कप बताइए. ये एसोसिएटेड है टेनिस गेम से. और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किस तरह के सरफेस पे जो है पेरिबास कप जो है वो खेला जाता है. ऑप्शन है आपके पास हार्ड सरफेस, क्ले सरफेस, ग्रास और कारपेट. तो इसका सही आंसर है ये खेला जाता है हार्ड सरफेस के ऊपर. ए इज द राइट आंसर. 73rd का हमारा हो जाएगा ए. 73rd का है हमारा ए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ आपसे पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट बाउट रिकॉग्नाइज बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन. विश्व मुक्केबाजी संघ के द्वारा किस मुकाबले को सबसे पहले मान्यता दी गई थी. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. अभी अभी मैंने जस्ट आपको कराया तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या है. ए इसका सही आंसर है जैक डैम्पसी जॉर्ज कारपेंटर हैवीवेट चैंपियनशिप बाउट. ए इज द राइट आंसर. वेरी गुड. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. तो देखते हैं यहाँ आपसे क्या पूछा गया है. इसमें पूछा गया है हाउ मेनी स्टेट्स हैव रेटिफाइड द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट बाय 2018. इसमें बताना है कितने राष्ट्रों ने डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 2018 को मंजूर किया है. तो ये कितनी कंट्री है जिन्होंने मंजूर किया है. इसका सही आंसर है 187 कंट्रीज ने इसको मंजूर किया है. बी इज द राइट आंसर. आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय इट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एंड टेक केयर.